कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24। जो आज की बड़ी खबर है वो आ रही है पाम तेल के बाजार से। पाम तेल में सप्लाई घटने की आशंका से आने वाले दिनों में तेजी आने का अनुमान नजर आ रहा है। लगातार दो दिनों की गिरावट के बाद मलेशिया क्रूड पाम तेल यानी CPO वायदा बुधवार के दिन बढ़त के साथ बंद हुआ, क्योंकि 2025 की शुरुआत में पाम तेल की आपूर्ति प्रभावित होने का डर है। बरसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज पर BMD पर पाम तेल के जनवरी वायदे अनुबंध में 74 रिंगिट यानी 1.75% की बढ़त दर्ज करी गई और 4,313 रिंगे प्रति टन पर यह लेवल बंद हुआ। इस दौरान शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड पर सोया तेल का जो बाजार है उसके बारे में अगर बात करते हैं तो सोया तेल की कीमतों में 0.64% तक की तेजी दर्ज करी गई। डॉलियन कमोडिटी एक्सचेंज के सोया तेल वायदे अनुबंध में 1.15% तक की तेजी आई, साथ ही इसके पाम तेल वायदे अनुबंध में 1.3% तक की तेजी दर्ज करी गई। कार्गो सर्वेक्षकों के अनुसार ये अनुमान लगाया गया है कि 1 से 15 अक्टूबर के दौरान मलेशियाई पाम तेल उत्पादों का निर्यात पिछले महीने के समान अवधि की तुलना में 14 से लेकर 15.6% तक बढ़ा है। अमेरिका डॉलर के मुकाबले रिंगिट में 0.39% तक की तेजी दर्ज करी गई, जिससे विदेशी खरीदारियों के लिए पाम तेल का जो आयात है वो महंगा हो गया है। पाम तेल के अलावा अगर बात करते हैं सरसों का जो बाजार है इसके बारे में, तो मार्केट में सरसों भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल देखी जा रही है। आने वाले दिनों में अगर बात करी जाए कि इन फ्यूचर बाज़ार कैसा रहेगा, तो आने वाले टाइम में तेज़ी आने की संभावना सरसों के बाज़ार में भी हैं और ज़्यादा तेज़ी आने की संभावनाएं हैं। हल्की सी गिरावट बाज़ारों में अभी दर्ज करी जा रही है, स्थिरता देखी जा रही है, लेकिन जिस हिसाब से डिमांड बाज़ारों में बनी हुई है तो उसको देखते हुए आने वाले टाइम में तेज़ी देखी जाएगी। और इसी हिसाब से पाम में भी सप्लाई घटने की आशंका की वजह से बहुत ज़्यादा गिरावट आने का अनुमान फिलहाल के लिए बाज़ारों में नज़र नहीं आ रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।